जय हिंद प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को कवर करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 5.2 में हमसे कहा गया है कि प्रश्नावली 1.2 में कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 तक समृद्ध संख्याओं के मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ जेड फाइंड करना है, दूसरी बात क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ठीक है, सवाल नंबर 1 में उन्होंने लिखा है कि जेड बराबर -1 -i√3। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मॉड ऑफ जेड ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, थीटा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी टाइम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जेड बराबर -3 -3 i। ठीक है, आइए दोनों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें दोनों में क्या ज्ञात करना है, मॉड ऑफ जेड और क्या ज्ञात करना है, थीटा। बेहद आसान है, पिछली वीडियो में हमने मॉड ऑफ जेड और थीटा ज्ञात करने की विधि आपको बताई है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख ले। देखिए, मॉड ऑफ जेड ज्ञात करेंगे तो मॉड ऑफ जेड बराबर होगा मॉड ऑफ -1 + i√3। ठीक है, अब इसे मॉड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर माइनस एक का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस रूट तीन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसे हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक का होल स्क्वायर कितना, 1, रूट तीन का स्क्वायर कितना, 3। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, √4, और इसे बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया हमारा आपका मॉड जेड। ठीक है, ये मॉड जेड हो गया। आइए थीटा निकालने की बारी हमारी है, थीटा ज्ञात कर लेते हैं। थीटा के लिए क्या करना है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम यह पता कर लें कि जो पॉइंट्स दिया गया, जो समृद्ध संख्या दी गई है वह किस तल में है। अगर उस तल की बात करें तो इसे लिखेंगे -1 और क्या लिखेंगे, -√3। माइनस माइनस चिन्ह हमें यह बता रहा है कि जो समृद्ध संख्या है उसका तल तृतीय है। कौन सा है, तृतीय तल है, मतलब तृतीय तल, कौन सा तल, तृतीय तल। और तृतीय तल में क्या होता है, तृतीय तल में जब कोणांक ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, कोणांक, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, कोणांक ज्ञात करते हैं तो कोणांक को आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखेंगे। अभी इसे लिखते हैं, क्या तृतीय तल की बात हो रही है तो तृतीय तल में लिखते हैं -π + क्या लिखते हैं, थीटा। -π क्या लिखते हैं, प्लस थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ARG ऑफ जेड बराबर -π + थीटा। और थीटा के लिए सूत्र होता है टैन इनवर्स, वो क्या होता है, B/A, या आप कह सकते हैं y/x कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -π + tan इनवर्स क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/a की वैल्यू कितनी है, 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये -π + tan इनवर्स कितना, tan π / कितना, 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि √3 है और tan√3π / कितने का मान होता है, 3 का होता है। ठीक है, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -π + π / कितना, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो आएगा -3π + π / कितना, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर -2π / 3। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास है क्या, जेड बराबर -√3 + क्या, आई। ठीक है, सबसे पहले यह पता कर लें कि दी गई जो समृद्ध संख्या है वो किस तल में है। हमारे पास जो दी गई समृद्ध संख्या है वो माइनस और प्लस चिन्ह दर्शा रही है, यह इस वजह से इसका तल क्या होगा, द्वितीय होगा। कौन सा तल होगा, द्वितीय तल होगा। तो द्वितीय तल के लिए सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड बराबर हो जाएगा -√3 + क्या, आई। ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड बराबर √√3 का क्या, होल स्क्वायर, प्लस कितना, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड बराबर √3 - √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड बराबर √√ कितना, 10। ठीक है, ये रहा आपका क्या, मॉड ऑफ जेड। आगे देखें तो हमें मॉड ऑफ जेड के बाद क्या फाइंड करना है, थीटा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के लिए हम देख पा रहे हैं द्वितीय तल है, द्वितीय तल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, π - θ। तो ये हो जाएगा π - tan इनवर्स क्या हो जाएगा, B/A। तो ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर π - tan इनवर्स b। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 1, और ए की वैल्यू कितनी है √3, और 1/√3 कितने का मान होता है, π/6।
कितने का होता है? पाई माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई छ। टेन से टेन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। छह का नम छह, छह में से गए कितना? पांच पाई बाई छ। ये रहा हमारा क्या? कोणांक। ठीक है, हमें प्रश्न संख्या एक और दो में ही ऐसा करना था। आगे के सवालों के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नों को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन से आठ तक की समरी संख्याओं में प्रत्येक को द्विवी रूप में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है? पोलर फॉर्म लिखनी है। देखिए, तीन से आठ तक के लिए हमें क्या लिखनी है? पोलर फॉर्म लिखनी है। पोलर फॉर्म के लिए हम लोग क्या देखें? जेड बराबर, यदि हमारे पास क्या है? कोई समरी संख्या ए प्लस आई बी है, तो जो इसका पोलर फॉर्म होता है वो होता है मॉड ऑफ जेड ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है? किसी भी समरी संख्या जेड बराबर ए प्लस आई बी के लिए पोलर फॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न संख्या तीन से। प्रश्न संख्या तीन है जेड बराबर वन माइनस आई। क्या है? वन माइनस आई। चलिए देखते हैं वन माइनस आई के लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, जेड बराबर वन माइनस आई है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? मॉड ऑफ जेड फाइंड करना है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? थीटा ज्ञात करना है। आइए, हम लोगों ने सवाल नंबर एक और दो में जो किया है वो सारा प्रोसेस करना है। एक और दो में जो किया है वो पूरा प्रोसेस करने के बाद हमें उसमें से वैल्यू निकाल करके यहाँ ले आके क्या करनी है? रख देनी है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड ऑफ जेड फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा मॉड ऑफ वन माइनस क्या आई। ये हो जाएगा क्या? मॉड ऑफ जेड बराबर रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट अंडर कितना? वन, और वन कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, और इसे बाहर निकाल नहीं सकेंगे, तो ये मॉड ऑफ जेड बराबर क्या हो गया हमारे पास? रूट अंडर दो। ठीक है, देखिए आगे अगली बात हम देख पा रहे हैं, हमारे पास क्या है? जेड बराबर वन माइनस आई है। क्या है? वन माइनस आई। अच्छा, प्लस के लिए तो प्लस, माइनस के लिए क्या रहेगा? यहाँ माइनस रहेगा, आसान। थीटा ज्ञात कर लेते हैं। थीटा बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ज्ञात करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा जो तल है वो कौन सा है? पहले प्लस है, फिर क्या है? माइनस। और प्लस और माइनस हमें क्या मिलता है? चतुर्थतल में मिलता है, और चतुर्थतल के लिए क्या होता है? माइनस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस टेन इनवर्स बी। बी की वैल्यू कितनी है? एक है, और बटा कितना? एक। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस टेन इनवर्स कितना? ये एक मान होता है टेन पाई बाई फोर का। कितने का? टेन पाई बाई फोर का। टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर हो जाएगा कितना? माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, तो जेड का मतलब वन माइनस आई जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू है रूट अंडर दो कॉस माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई फोर प्लस, सॉरी माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है हमारे पास? माइनस है, और यहाँ हो जाएगा आई साइन माइनस पाई बाई फोर। ठीक है, ये रहा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा वन माइनस आई का जो पोलर फॉर्म है वो हो जाएगी रूट अंडर टू कॉस पाई बाई फोर माइनस आई साइन। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई साइन क्या हो जाएगा? अच्छा, ये प्लस हो जाएगा पाई बाई फोर। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और इसके लिए क्या होता है? प्लस। अच्छा, अगर हम लोग ये माइनस में रखेंगे आर्ग्यूमेंट, तो वो आर्ग्यूमेंट हमारा क्या देगा? प्लस ही देगा, इसलिए यहाँ क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग सब प्लस में रख देते हैं। ठीक है, आपका आंसर, यदि ये आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है? सीधे सीधे क्या करना है? यहाँ प्लस चिपकाना है, और यहाँ जैसे माइनस लिखा था वैसे लिख देना है। ठीक है, या आप ध्यान से देखें तो यह कॉस माइनस थीटा लिखा है, और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और दूसरी बात, साइन माइनस थीटा की बात करें तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगर इसे आप बदल के लिखना चाहें तो ये माइनस, ये जो प्लस है वो यहाँ से माइनस जब आगे आएगा तो इसे क्या बना देगा? प्लस बना देगा। प्लस को क्या बना देगा? माइनस बना देगा। ठीक है, दोनों आंसर आपके पास है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चार, देखिए प्रश्न संख्या चार हमारे पास है माइनस वन प्लस आई। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसे क्या मान लेते हैं? जेड मान लेते हैं। मान लिए हैं जेड बराबर माइनस वन प्लस क्या है? आई है। भैया ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए हमारे पास जो तरीके हैं वो क्या है? सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है मॉड, उसके बाद क्या? थीटा। चलिए शुरुआत करते हैं, फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले मॉड ऑफ जेड। तो मॉड ऑफ जेड बराबर माइनस वन प्लस क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है,
इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट अंडर वन का स्क्वायर वन, और वन का भी स्क्वायर क्या वन, तो दोनों का क्या हो जाएगा रूट टू। ये हो गया क्या आपका मॉड जेड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। आइए थीटा याद करते हैं। थीटा याद करने के लिए आपको ध्यान हो तो इसे हम लोग लिखेंगे माइनस एक और एक, एक माइनस है दूसरा क्या है प्लस। ये कहां मिलेगा, द्वितीय तल में मिलेगा। तो द्वितीय तल के लिए जो हमारा थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे थीटा निकालिए, थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स बी बाई क्या ए। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा बराबर टेन इनवर्स बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास है एक, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस एक। ठीक है, ये है। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोग जिस खाने में हैं वो खाना हमारा कौन सा है, वो खाना हमारा है दूसरा खाना। तो दूसरे खाने में जब हम लोग लिखते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होता है पाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टेन इनवर्स वन अपान वन। ये हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना, एक होता है टेन पाई बाई फोर का, ये टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई कितना फोर। ठीक है, तो चार एकन्नम चार, चार में से के कितना तीन पाई बाई चार। ये हो गया क्या हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, आइए हम लोग क्या लिख देते हैं इसका, माइनस वन प्लस आई का क्या लिखेंगे, जब पोलर फॉर्म लिखेंगे तो पोलर फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू ब्रैकेट में कॉस क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर प्लस आई साइन थ्री पाई बाई फोर। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न संख्या चार हो गया है, प्रश्न संख्या पांच हमारे पास है माइनस वन माइनस आई। प्रश्न संख्या पांच है जेड बराबर माइनस वन माइनस आई। ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास z बराबर माइनस वन माइनस आई है तो हम लोग सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ z ज्ञात करेंगे। मॉड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस वन माइनस आई। ठीक है, हम लोग मॉड इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रूट टू हो जाएगा। इससे पहले हमने दो सवालों में इसी प्रकार के सवाल का क्या निकाला है, मॉड निकाला है। तो हम लोगों को अब क्या निकालना है, थीटा निकालना है, जिसमें हमारे पास ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। और जब दोनों माइनस होते हैं तो इसका मतलब हम किस तल में है, तीसरे तल में है, और तीसरे तल के लिए होता है माइनस फाइव प्लस थीटा, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर माइनस फाइव प्लस क्या थीटा, माइनस फाइव प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन अपान माइनस वन। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी पाई बाई फोर, ये हो जाएगा क्या टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई फोर, फोर बन जा फोर, फोर में से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे, तो इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा माइनस वन माइनस आई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड मॉड ऑफ जेड की जगह क्या लिखेंगे रूट टू ब्रैकेट में कॉस माइनस तीन पाई बाई चार प्लस आई साइन माइनस तीन पाई बाई चार। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा कौन सा ध्रुवीय रूप। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे की सवाल में माइनस तीन है, माइनस तीन का हम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छः, क्वेश्चन नंबर छः जेड बराबर हमारे पास क्या है माइनस तीन। ठीक है, अगर हम लोग इस z को पूरी अच्छी तरह से लिखें तो हमारा जो z बनेगा वो बनेगा z बराबर माइनस तीन प्लस जीरो आई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ z बराबर हो जाएगा रूट अंडर माइनस तीन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z बराबर तीन त्रिका नौ, तो ये हो जाएगा नौ, और z से जब इसे बाहर निकालेंगे तो मॉड ऑफ z की वैल्यू बनेगी कितनी तीन। अब ध्यान से देखिए, तो ये माइनस तीन लिखा है, क्या लिखा है माइनस तीन, और माइनस तीन का मतलब होता है अगर हम लोग इसे देखें सम संख्या के रूप में तो माइनस है और फिर क्या है प्लस, और माइनस प्लस हमें कहाँ मिलते हैं दूसरे खाने में मिलते हैं, तो दूसरे खाने के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर पाई माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास जीरो बाई कितना तीन, जीरो बाई तीन, तीन से किसी जीरो में भाग देंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा जीरो बनेगा, तो ये हो जाएगा क्या टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स जीरो, जीरो टेन में कितने का मान होता है अगर हम लोग देखें तो साइन जीरो बटा क्या होता है, साइन जीरो का जीरो होता है, तो जीरो बटा एक जीरो जीरो साइन जीरो, तो ये हो जाएगा क्या पाई माइनस कितना हो जाएगा ये टेन इनवर्स टेन जीरो का ही होता है। ठीक है, टेन जीरो कैसे,
साइन 90, साइन 0 का मान 0, कॉस का 1, 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये और हो गया, 10 से 10 कैंसिल आउट और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। देखिए हम जब लोग इसका क्या लिखेंगे, ध्रुवीय रूप लिखेंगे, तो z बराबर माइनस 3 का जो ध्रुवीय रूप होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ध्रुवीय रूप हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ध्रुवीय रूप है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास क्या है, प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 में हमारे पास है रूट अंडर 3 प्लस आई, और प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास सिर्फ क्या है, आई। इसे हम लोग 0 प्लस आई की फॉर्मेट बना करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप इन दोनों सवालों को प्रश्न संख्या 7 और 8 को स्वयं से कर लें। यदि आपको नहीं आता तो प्रश्न संख्या 7 और 8 के लिए आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, वो आपको सलूशन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए।